अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीना नास और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। 16 दिसंबर 2012 में जब निर्भया कांड सामने आया था तो पूरा हिंदुस्तान जाग उठा था। बलात्कारियों को सजा देने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। लोगों की मांग को देखते हुए फास्ट ट्रैक अदालतें और बलात्कारियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला लिया गया था। लेकिन बावजूद इसके हाल ही में एक ऐसे ही बलात्कारियों का एक शर्मनाक मामला अब सामने आया है, जहां एक 9 साल की लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसके बाद निर्मम हत्या करके जंगल में फेंक दिया गया। लगभग 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक मुजरिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं मिलर टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी जिले में रीगा थाना से करीब एक गांव भवनपुर पिपराही है, वहां 55 साल की बुजुर्ग मोहम्मद की चाय की दुकान है। 4 जनवरी को सुबह 7:30 बजे उनकी 9 साल की लड़की सजरीना खातून दूसरे मोहल्ले में दूध लाने गई थी, जिसके बाद वो दोबारा आई ही नहीं। बहुत टाइम गुजर जाने के बाद जब लड़की घर नहीं आई तो लोगों ने तलाशना शुरू कर दिया। पूछताछ में दूध वाले ने कहा कि आपकी लड़की दूध लेकर वहां से निकल गई थी। वहीं रास्ते में एक स्कूल के पास दूध का डिब्बा पड़ा मिला और गन्ने के खेत में लड़की की चप्पल भी पड़ी हुई थी। इसी दिन पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। पुलिस आई और इसने भी ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 6 दिन बाद 9 जनवरी को लड़की की लाश बगल के कंवारी गांव के एक खेत में पड़ी हुई मिली, जिस पर बलात्कार और कत्ल के निशान थे। लेकिन पीड़िता के भाई ने बताया कि लड़की के साथ बलात्कार करने के अलावा इसके साथ बेहुदा हरकत भी की गई थी और इसके गुप्त अंग में कपड़ा भी डाल दिया गया था। 4 जनवरी के बाद ही पुलिस ने लापता की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। लाश मिलने के बाद पुलिस ने एक FIR दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। वहां के मुखिया शम्स आलम ने बताया कि बगल के गांव बनवा मोहल्ले का तमन्ने नाम का एक लड़का है, जो वहां पर चाय पीने आता था। उससे पहले भी वो लड़की को परेशान किया करता था और इसी शक पर FIR में भी उसका नाम दर्ज है। उस मामले में पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन मुजरिम हाथ नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि रीगा थाना के SHO ललन कुमार ने मिलर टाइम से बात करते हुए कहा कि तमन्ने नाम का एक लड़का मुजरिम है, जिस पर अपहरण और कत्ल का केस दर्ज कर लिया गया है। वो घर से फरार है और इसीलिए पोस्ट रजाई करके 1 महीने का टाइम दिया गया है। अगर मुजरिम 1 महीने में खुद को हाजिर नहीं करता है तो फिर उसकी कुर्की जब्ती होगी। SHO ने ये भी कहा है कि लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, इसीलिए ये एक्ट नहीं लगाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद रेप का मामला भी दर्ज किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए मिलर टाइम्स। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलर टाइम्स की मजीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिलर टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तजज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millertimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों जबानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफत को फ़रोग देने में आप हमें अपना तआवुन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।